अबे गुड्डू तुम फिकर मत करो, कछुआ चाचा जो कहते हैं कहने दो। अबे हम भी अपने देश बहुत लव करते हैं गुरु, आज भी देशभक्ति सॉन्ग सुनते हैं ना तो पापा कसम रोटे खड़े हो जाते हैं, समझे? नहीं, स्टैंड पे लगाओ। और सत्ती लाल क्या है हाल, जलेबी खिलाओ। अरे वहां ना बैठो भैया। काहे, बेंच खराब हो गई क्या? अरे वहाँ डॉग्स और इंडियन नहीं बैठ सकते। क्या? हाँ, वहाँ बेंच पर डॉग्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड हैंगे, इसलिए हम खुद यहाँ जमीन पर बैठ के चाय पी रहेंगे। अबे इंडियन और डॉग्स तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं अलाउ होते थे गुरु। आज से लापतागंज में अंग्रेजों का शासन लागू है, वो देखो। अबे अंग्रेजी में लापतागंज किसने लिख दिया यार? हाँ उधर भी लिख दिया हैंगे, साइंट मेरी हाई स्कूल। और भैया देखो इधर भी अंग्रेजी में लिख दिया है, पता नहीं क्या। अबे ये कब हुआ? आज से, याद नहीं हैंगे कल तुमने यहीं पर खड़े होके एक दिन अंग्रेजों के शासन में रहने की बात की थी, तुम्हारे साथ हमको भी रहना पड़ रहा हैंगे, यहाँ जमीन पर बैठना पड़ रहा हैंगे, क्योंकि वहाँ बेंच पर डॉग्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड हैंगे। और भैया आप तो डॉग भी हो और इंडियन भी हो, आप तो डबल नॉट अलाउड हो। अबे गुड्डू हमें हमारे लापतागंज में कौन बैठा है नीचे जमीन पे, अबे हमारा जहाँ मन करे वहाँ बैठेंगे, समझे? चलो। भैया वहाँ मत बैठो, अरे नया दरोगा बहुत खतरनाक आया है। कौन है नया दरोगा? टॉर्टोइज प्रसाद। टॉर्टोइज प्रसाद, ये कौन है बे? अरे अपने कछुआ प्रसाद, अंग्रेजों के बहुत बड़ा पिट्टू हैंगे। अरे छोड़ो, अरे कछुआ दरोगा आ गया, चलो। अबे गुड्डू ये तो शोले पिक्चर के आसानी लग रहे हैं। वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे, ये अंग्रेजों के दरोगा हैंगे। जब से दरोगा बने हैं रोज फ्री में समोसा खाते हैं। अबे इधर ही आ रहे हैं गुरु। Hey, इंडियन तेरा हिम्मत कैसे हुआ ऊपर बैठने का? सत्ते अरे अरे संभाल के सुत्ती लाल। तेरा इस बेंच पर बैठने का हिम्मत कैसे हुआ? काहे बेंच में खटमल है क्या? किसी किसी बेंच में खटमल भी होता है, लेकिन इस बेंच में खटमल नहीं है। कभी कभी किसी बेंच में खटमल नहीं भी होता है। डॉग्स इंडियंस आर नॉट अलाउड देयर। अरे भाई हमारे लापतागंज में हम अलाउड नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, हम तो बाइटिंग चौड़े में कुछ भी कर लीजिए। अरेस्ट हिम। भैया जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे, एक सेकंड गुरु देखो देखो, एक सेकंड एक सेकंड अंकल कुछ कह रहे, बाहर से हट। पकड़। अबे अबे गुड्डू, अरे बचाओ गुड्डू। अबे गुड्डू बचाओ बे। भैया अरे जब गुड्डू तुझे बचाएगा तो गुड्डू को कौन बचाएगा? अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे अरे अबे गुड्डू। हे भगवान, इन अंग्रेजों के अत्याचार से कब मुक्ति मिलेगी? अल्लाह रहम कर, इसका फैसला जनरल सुगंध ही करेगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट। अंग्रेजी सेना के देसी सिपाहियों, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी अपने घर जाओ। तो हिंदुस्तानियों से तो मैं अकेला ही निपट लूं। अबे यार, अबे गुड्डू ये क्या हो गया बे? भैया अंग्रेजों का शासन है और आपने अंग्रेजों से लोहा लिया है। तो क्या करें, नीचे कैसे बैठ जाए वो भी उनके कहने पे। ओ! तू है? अबे गुड्डू इनका चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सफेद मुर्गी। चुप! वो इंडियंस, तूने अंग्रेजों का कानून ना मानने की जुर्रत की है, जानता है इसकी सजा? देखिए ग्रैंडफादर, हम करते हैं आपका आदर,
तो उतने ही पैर फैला जितनी है तेरी चादर। हमसे माफी मांग, नहीं तो हम तेरे छोटे 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 टुकड़ा कर देंगे। अबे गुड्डू, ये अंग्रेज है या कसाई? दोनों में फर्क नहीं है मेरे भाई, माफी मांग लो। अबे माफी और इनसे, हमने किया क्या है? अपनी जमीन में अपने बेंच के ऊपर बैठ के सुत्तीलाल के समोसे ही तो खाने वाले थे। ठीक है, फिर आप भगत सिंह बन जाओ और हम सुखदेव। जीवन में अभी बहुत कुछ करना है भैया। हाँ बे, ला कंप्लीट करना है, रिली से शादी करनी है। भैया डिलाइट सिनेमा में नई फिल्म लगी है भाभी के साथ, वो भी तो देखनी है। हाँ भैया, फिर माफी मांग लो, अपने लिए नहीं सही, हमारे लिए माफी मांग लो भैया, प्लीज भैया प्लीज माफी मांग लो। भाई इतने खूबसूरत नहीं हो कि तुम्हारे लिए माफी मांग ले, मांगेंगे तो रिली के लिए मांगेंगे। शाबाश, हमें झुके हुए इंडियन बहुत अच्छे लगते हैं। आगे से अगर अंग्रेजों का कानून तोड़ने की कोशिश की तो हम तेरा सिर तोड़ देंगे। बात अब यार गुड्डू, पापा कसम इतनी इंसल्ट तो हमें मामा और मौसी ने नहीं की होगी बे। अरे भैया वो मामा और मौसी हैं, ये अंग्रेज हैं। पापा कसम गुड्डू, आज हमें मामा और मौसी कीमत का पता चला। सुनो सुनो, रानी मिश्री आ रही है, रास्ते साफ करो। रानी साहिब आ रही है, रास्ता खाली करो। रानी साहिब आ रही है, हट। अबे गुड्डू, ये सुत्तीलाल झुक क्यों गया है? ये अंग्रेजों का स्टूल हैंगे, इस पे पैर रख के सब लोग उतरते हैंगे। तो सिर्फ सुत्ती क्यों, तुम क्यों नहीं? क्योंकि सुत्ती का साइज परफेक्ट हैंगे, ना कम ना ज्यादा। तुमने क्वीन को गिरा दिया। This is not us. हमें उठाओ। अब तो आपको भगवान ही उठाएगा। Oh God. क्वीन मिस्री को गिराया। इंडियन फूल। गलती हो गई हमसे, असल में रानी साहिबा हमारे समोसे और जलेबी खा खा के इतनी मोटी हो गई है कि अरे सुनकर लीजिए, देखिए बेचारे को मारिए, नहीं मर जाएगा तो फिर रानी साहिबा को समोसे कौन खिलाएगा? उठाओ उठाओ उठाओ। मिस्टर टॉटाइज, ये कौन है? इसको हमारी आंखों के सामने से हटा दो। अब कहो तो इसकी आंखें निकाल। इंडियन, भाग सब पहुंचा जाए। एक सेकंड दरोगा साहब, एक बात बता दे, जा रहे हैं पर बता रहे हैं आपकी गुलामी ज्यादा दिन सह नहीं पाएंगे। अरे कछुआ, और देने थे दो डंडे। नहीं मिश्री, बहुत पिट चुका है। अच्छा, अभी तो और पिटेगा। इसे पता तो चले इसके बाप दादू ने कितनी लाठियां खाई है। लो सुती, पानी पी लो। मार डाला अंग्रेजों ने, मार डाला। भैया ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ए यार, एक दिन की बात है, काट लो, हम डरेंगे नहीं, समझे? पर दिन कैसे काटोगे? अबे चलते हैं डिलाइट सिनेमा में, काटते एक दिन पिक्चर देख के खत्म बात। अभी के साथ छोड़ने तो क्या, चलो साइकिल निकालो। चलिए। और सुनो गुरु, मुड़े ही बने रहो, समझे? चलिए।
अबे गुड्डू, ये क्वीन नाच नाच का झाड़ू लगा रही है। यहाँ कुत्ते और हिंदुस्तानी दोनों का प्रवेश निषेध है, भागो यहाँ से। पापा का तुम तो पिक्चर देखना चाहती हो, हम भी तुमको पिक्चर दिखाना चाहते हैं, आओ चलो। हाँ, ये तुम्हारे साथ नहीं हमारे साथ जा रही है, चलो सुरीली। अरे सुन तो लीजिए, भैया मौसी और सुरीली भाभी तो फिल्म देखने गई। अबे गुड्डू हम भी चलते हैं, चलो साइकिल निकालो जल्दी। अबे अबे गुड्डू ये देखो यहाँ क्या लिखा है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अभी वहां बैठी है। कैसी हो? यू इंडियन नीचे बैठो, इंडियन नीचे बैठेगा, वहां जाओ। देखो गुड्डू, एक तो नीम ऊपर से चढ़ा करेला, अंग्रेजी ड्रेस में देसी लहला। कसम कहाँ ले गया, किराया कपड़ा मंगाया क्या? देखिए उल्टी अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, काय बोलती हूँ। वैसे भी ये पिक्चर अंग्रेजों की जागीर नहीं है, सब बैठ के देख सकते हैं कि नहीं सिर्फ लेंदो बैठ रही है। इसे टॉर्चाइज। हुई। इंडियन। हे, तुमने आज अंग्रेजी शासन के सारे नियम तोड़े हैं। अरेस्ट। अबे 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 हमको पकड़ोगे? है कल तक हमारे रिश्ते थे। हट जाने। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो यार, अरे नाटक की हद होती है यार, जुल्म की हद होती है। कभी कभी जुल्म की हद भी होती है। कल तक तो नहीं थी? कल तक तुम गुलाम नहीं थे, आज चूसा हुआ आम हो। छोड़ो छोड़ो गो। चिंता मत करो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पापा कसम डीपली घुस के बदला लेंगे हम इनसे। ये क्या हो रहा है? इसने दिन में तीन बार अंग्रेजों का नियम तोड़ा है, इसे बांधो और 10 कोड़े लगाओ। अबे छोड़ सुरीली, कहाँ छोड़ साले। भैया ये अंग्रेजों के डुप्लीकेट, अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है, माफी मांग लो भैया। अबे गुड्डू माफी है, उधार नहीं मांग रहे हैं कि बार बार मांगे, शर्म भी ना है, हम नहीं मांगेंगे। ले जाओ इस इंडियन को। आप अपनी बिटिया को समझाइए। हट जा सुरीली, ये हमारा गुलाम है। तुम बीजी के साथ जाना चाहती हो? अगर ये भी इसके साथ है तो इन दोनों को बांधो और 10 कोड़े लगाओ। कुछ कर रहा है? जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। अबे छोड़। हम भी बंधेंगे आपके साथ। अबे यार गुड्डू, दो लोगों की जगह है, सुरीली बंधे रहने दो, इसी बहाने हम लोग नजदीक रहेंगे, है कि नहीं सुरीली? हमको लगता है अब क्रांति होंगे। घबराओ मत भैया, आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। कुर्बानी? अबे ये तो नाटक चल रहा है। हमको तो हकीकत लग रहेंगे, वो देखो बीजी पांडे अंग्रेजों का झंडा भी लगा दिए हैंगे। हिंदुस्तान में अंग्रेजों का झंडा, अब आएगी क्रांति। भैया हम अपने खून से आसमान पे क्रांति लिख देंगे, इंकलाब लिख देंगे। पापा कसम ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोग अपना नाटक बंद कीजिए। इसके लिए तुम्हें हमारी गुलामी स्वीकार करनी होगी। पापा कसम, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं, झुका सकते नहीं।
मान जाओ बीजी पांडे, ये लोग बहुत खतरनाक हैंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या तुम्हारे बाजू में दर्द हो रहा है? भैया अपने लिए ना सही, सुरीली भाभी के लिए सही माफी मांग लो भैया। हाँ भैया, तुम्हारे चक्कर में हमारी दुकान भी बंद कर दी है। मुकुंदी भैया देखो क्या हो गया है। अरे हमको पता चला, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मुकुंदी भैया ये सब आपके बाबूजी करा धरा है, उनको रोकिए। अरे उनको रोका ना तो वो हमको ठोक देंगे। देखो माफी मांग लोगे तो छूट जाओगे, वरना इतना जुल्म करेंगे कि पापा कसम टूट जाओगे। अच्छा ठीक है, पापा कसम हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी गुलामी मंजूर है। जनरल यस टॉर्टोइस, ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे? इसके लिए इसको कहना पड़ेगा क्वीन मिश्री जिंदाबाद। क्वीन मिश्री जिंदाबाद, और बोलना पड़ेगा इंग्लैंड जिंदाबाद। इंग्लैंड जिंदाबाद। और अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। खबरदार, अगर हिंदुस्तान को मुर्दाबाद कहा तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पकड़ लो इसको। अरे 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 पापा के सम बहुत हो गया सम्मान, आप कदर कस्त नहीं थे और बन जाओ। हाँ बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ। हाँ। अबे तो हैंडपंप कहाँ है? हैंडपंप नहीं हैंगे, वहाँ नल हैंगे। अपने देश में किसी और देश का झंडा कैसे लगा सकते हैं? ना लगाते तो तुमको कैसे पता चलता बेटा कि इसको उतारने में हमारे बाप दादाओं ने कितनी कुर्बानियां दी होंगी। आप सही कह रहे हैं पापा कसम, हमने गुलामी देखी नहीं थी इसीलिए पता नहीं थी कि आजादी की वैल्यू क्या है। लेकिन पापा कसम एक दिन की गुलामी ने हमारी पैंट बजा के रख दी। तो सोचो कैसे पता चलेगा कि हमारे बाप दादाओं ने तो अपना पूरा जीवन गुलामी में बिता दिया। कछुआ चाचा हमको माफ कर दीजिए और पापा कसम ये टोपी उठा के फेंक दीजिए। अरे बाड़े का है बस, अरे दादाजी से माफी मांगो जाके। दद्दू पापा कसम हमको माफ करिए, अब हम अपनी आजादी का कभी मिसयूज नहीं करेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। बेटा नाटक कुछ ज्यादा असली हो गया हो तो क्षमा चाहूंगा। अरे
क्या सुते? हाँ चोट तो नहीं लगा ना? आपकी योजना के अनुसार हम डबल पहने थे, फिर भी एक लग गई। चलो बैलेंस गाना कंप्लीट कर लेते है ना, मौ की टांगे क्रैप लेके आए, उसका यूज तो कर ले काम। आजादी के लिए सिर्फ 15 अगस्त का ही दिन क्यों, साल के 365 दिन क्यों नहीं? क्या आजादी का सही मायने सिर्फ झंडा फहराना, लड्डू खाना और मनोज कुमार के गाने सुनना है? नहीं, आजादी का सही मायने है एक दूसरे की आजादी का सम्मान करना, और असल में देश तभी आजाद होगा जब हम इस बात का सम्मान करेंगे। जय हिंद।